आई एव रू वन दिस इज पारोर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग आई वेलकम यू ऑल इन पजल प्रो आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और वेल आई एम नॉट वेल राइट नाउ बट एस वी आई पी ओ बहुत ज्यादा नज़दीक आ चुका है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस टाइम पर मुझे आपको सेशंस देने चाहिए ठीक है जो पेपर जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं आप तक मुझे उनको पहुंचाना है जरूर पहुंचाना है और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी आज के सेशन में आज के सेशन की बात कर रहे हैं हमारा जो आज का सेशन है एसबीआई पीओ प्रिलिम्स को टारगेट करता है पांचवा मॉक है इससे पहले हमारे मिनी मॉक्स हो चुके हैं तीन मॉक्स और एक एस बी आई पी ओ प्रलिम्स का मैंने पेपर डिस्कस किया है जिसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सारे सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन भी स्टूडेंट्स ने आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जिन भी स्टूडेंट्स ने सेशंस नहीं देखे हैं मिनिमोक सीरीज के एस पी के इसी चैनल पर यूट्यूब पर पजल प्रो पर जाइए और देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है आप सभी को पता है कि इस चैनल पर कभी भी क्वालिटी के साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है सिमिलरली आज के सेशन भी हमारा कुछ वैसा ही होने वाला है <clears throat> मैं ज्यादा तेज वॉल्यूम में नहीं बोल सकती हूँ तो अगर वॉल्यूम का थोड़ा सा इशू लगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ठीक है चलो तो अभी आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की एक खास बात एक स्पेशल चीज़ आपको बता देती हूँ एक क्वेश्चन अभी हम ऐसा करने वाले हैं जिसमें 90% परसेंट स्टूडेंट्स उसको गलत कर सकते हैं अगर उसको नहीं समझेंगे अच्छे तरीके से सही तरीके से नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे ठीक है जब वो क्वेश्चन आ जाएगा मैं आपको बता दूंगी ठीक है तो चलिए फटाफट से करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये रहा हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए <clears throat> ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने ठीक है क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसमें सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये वो वाला नहीं है ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पेपर में आने लायक -like क्वेश्चन है इनफैक्ट उससे एक लेवल अपी है बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है सो so, देखो अभी क्या कहता है इस क्वेश्चन में सेवन एम्प्लॉय सात एम्प्लॉयज पारुल कवि रूही शोभित टीना उमा एंड विकास गो टू देर होम स्टेट ऑन लीव अमंग जम्मू आसाम केरला डेली राजस्थान ये सभी आपको दिए गए हैं ठीक है सात एम्प्लॉइज हैं उसने सात लोगों के नाम लिए हैं यहाँ पर ठीक है वो जो लोग हैं छुट्टी मिली है उनको ठीक है तो अपने अपने घर गए हैं होम स्टेट गए हैं उसने स्टेट्स का नाम बताया तो बेसिकली हमें क्या समझ में आया इतना क्वेश्चन पढ़ के सात लोग अपने साथ अलग अलग जो उनकी स्टेट्स है वहां पर जाते हैं ईच ऑफ देम गोज फॉर डिफरेंट डेज फ्रॉम वन टू सेवन अब उसने यहाँ पर एक और वेरिएबल यहाँ पर एड कर दिया है कि वो सभी लोग जो है अलग अलग दिन के लिए जाते हैं एक से सात के बीच में कोई 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 दिन 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 के के लिए लिए जाता है है सिंपल ठीक तो अब आपका मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है विकास गोज टू जम्मू विकास जम्मू जाता है तो हम लोग क्या करें अब यहां पर किस चीज को कॉन्स्टेंट रखना है किस चीज को यानी कि आपको अपने पेपर पर नोट डाउन करना है <coughs> तो यहां पर नाम को ही नोट करेंगे किसी भी चीज को वैसे तो आप कर सकते हो ठीक है यहाँ पर आप किसी भी चीज को रख सकते हो तो हमारे लिए आसान रहता है हम लोग नाम नोट कर लेते हैं तो नाम है आपके पास पारुल कवि रूही टीना उमा एंड विकास पूरा पूरा नाम नोट करने की जरूरत लगी नहीं क्योंकि सबके जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं वो अलग अलग हैं चलो बढ़िया हो गया अब देखो क्या कहता है विकास गोज टू जम्मू विकास आपका जाता है जम्मू फटाफट से नोट कर लेते हैं विकास जाता है आपका जम्मू ठीक है उमा गोज फॉर वन डे उमा जाती है एक दिन के लिए उमा जाती है एक दिन के लिए यहां पर हम डेज नोट कर लेंगे यहां पर उनकी होम टाउन होम प्लेसेस <laughs> कहते हैं नाइदर शोभित नोर उमा गोज टू डेली ना तो शोभित और ना ही उमा डली जाती है शोभित और उमा में से कोई भी डेली नहीं जाता है ठीक है तो शोभित डली नहीं जाएगा उमा भी डली नहीं जाएगी दोनों के लिए मैंने यहां पर क्या किया डेली कैंसिल कर दिया एज यूजल जैसे हम इन क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करते हैं आगे द वन हु गोज टू हरियाणा गोज फॉर ट्वाइस नंबर ऑफ डेज देन दैट ऑफ विकास द वन हु गोज टू हरियाणा जो पर्सन हरियाणा जाता है वो डबल ट्वाइस दिनों के लिए जाता है जितने दिन के लिए विकास जाता है अब इसको कैसे नोट करूंगी बहुत ही आसान है विकास जितने दिन के लिए जाता है उसके डबल दिन के लिए जाता है हरियाणा वाला मैंने सिंपल लैंग्वेज में कुछ फालतू इधर उधर का नहीं यहाँ पर वी डी नोट करू डेज के लिए क्योंकि हम किसको डबल कर सकते हैं यहाँ पर प्लेस को डबल कर नहीं सकते नाम को डबल कर नहीं सकते है ना आसान है इस तरीके से करना डबल तो हम डेज को ही कर सकते हैं तो हरियाणा वाले के जो दिन है वो कितने ट्वाइस ऑफ विकास सिंपल चलो आगे कवि नॉट गोज टू हरिया गो टू हरियाणा कवि हरियाणा नहीं जाता है के के लिए हरियाणा को कैंसिल कर दिया ठीक है कहते हैं द वन गोज टू राजस्थान गोज फॉर मोर डेज देन दैट ऑफ रूही जो पर्सन राजस्थान जाता है ना वो ज्यादा दिनों के लिए जाता है जितने दिनों के लिए रूही जाती है राजस्थान वाला जो पर्सन है आपका ठीक है राजस्थान वाला जो पर्सन है वो ज्यादा दिनों के लिए जाता है जितने दिन के लिए आपकी रूही आर से रूही रूही जाती है राजस्थान वाला पर्सन रूही से ज्यादा दिनों के लिए जाता है आगे विकास गोज फॉर ओड नंबर ऑफ डेज विकास जाता है ओड नंबर ऑफ डेज विकास के नंबर ऑफ डेज ओड है अब एक चीज देखो वन ओर्ड नहीं आ सकता क्योंकि उमा जाती है एक दिन के लिए तो विकास के लिए वन कैंसल्ड वन के बाद में थ्री विकास तीन होगा तो हरियाणा वाला छ दिन के लिए जाएगा तीन के बाद में पांच अगर विकास पांच दिन के लिए जाता है तो हरियाणा वाला दस दिनों के लिए विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ डेज है एक से सात तक है तो मुझे कन्फर्म हो गया विकास जाता है तीन दिन के लिए और हरियाणा वाला आप कितने दिन के लिए जाएगा छह दिन के लिए तो हरियाणा वाला जो है आपका वो जाएगा छ दिन के लिए बस सिक्स के लिए ओके जहां भी आएगा सिक्स लगा देंगे वहां पर टीना गोज टू यूपी फॉर फाइव डेज टीना आपकी जाती है यूपी कितने दिन के लिए पांच दिन के लिए लीजिए आगे क्वेश्चन बिल्कुल एक दो लाइंस का बचा है रूही गोज फॉर टू मोर डेज देन दैट ऑफ शोभित रूही जाती है दो दिन ज्यादा किससे शोभित से दो दिन ज्यादा रूही जो है आपकी ये रूही ये दो दिन ज्यादा के लिए जाती है शोभित से ठीक है उसने बोला रूही गोज फॉर टू मोर डेज देन ऑफ शोभित शोभित जितने भी दिन के लिए जाता है उससे दो दिन ज्यादा के लिए जाती है रूही अगर शोभित एक दिन के लिए जाता है तो रूही तीन दिन अगर शोभित दो दिन के लिए जाता है तो रूही चार दिन सिंपल है ठीक है पारुल पारुल डज नॉट गो फॉर और डेज जो है उसके लिए सेवन और टू दोनों ही कैंसल्ड है सेवन डेज के लिए भी टू डेज दोनों ही कैंसल्ड है पारुल के लिए ठीक है सो <coughs> so, यहाँ पर अभी हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना वो नोट कर चुके हैं अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर तो यहाँ पर देखो सिर्फ ज्यादा कुछ चीजें हमें पता नहीं है अभी हमारे पास बाकी है जिनको हमें पता लगाना है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है हरियाणा वाला पर्सन छह दिन के लिए जाता है अब मुझे पता है हरियाणा वाला पर्सन यहाँ नहीं जाएगा यहां भी जा सकता है यहां भी जा सकता है यहां भी जा सकता है तो मैं हरियाणा को तो पहले नहीं उठाऊंगी राजस्थान वाला रूही से ज्यादा दिन के लिए जाता है अब मुझे रूही के दिन ही नहीं पता मैं राजस्थान को कैसे करूं यहां से भी नहीं होगा रूही के दिन शोभित से दो ज्यादा है रूही के दिन शोभित से दो ज्यादा है तो शोभित के दिन भी नहीं पता तो अब क्या करें कहा से बनाए अब मुझे क्या दिख रहा है रूही और राजस्थान इन दोनों का इंटरकनेक्शन तो है ही तो कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट करते हैं तो एक तीन और पांच ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है यानी कि रूही के लिए या फिर शोभित के लिए एक तीन पांच नहीं हो सकता ठीक है शोभित प्लस R रूही रु, के जो दिन है वो कितने है? दो ज्यादा है शोभित से शोभित के लिए वन नहीं है हटा दिया शोभित के लिए टू हो सकता है अगर शोभित के शोभित जाता है दो दिन के लिए तो रूही जाएगी चार दिन के लिए ठीक है ये एक पॉसिबल केस है अगर आपको शोभित जाता है दो एक आ नहीं सकता दो कर दिया तीन नहीं आ सकता क्योंकि विकास जाता है तीन दिन के लिए फिर अगर चार दिन के लिए आपका शोभित जाता है तो रूही जाएगी छह दिन के लिए एक ये केस पॉसिबल है इसके अलावा पांच यहां पर है छे हम कर नहीं सकते शोभित को छह दिन नहीं दे सकते तो आठ दिन के लिए रूही का हो जाएगा तो शोभित और रूही के केसेस नजर आ गए मुझे टू फोर एंड फोर सिक्स ठीक है ये समझ में आ गया तो अब हम पहले इसी को ही बनाते हैं अब मान लो हम लोग पहले क्या लेकर चलते हैं आपकी मर्जी है वैसे तो देखो <clears throat> थोड़ा सा एक बार क्या करो जब भी करना होता है ना सॉल्व तो थोड़ा सा ना दिमाग में सोच लिया करो शोभित को अगर मैं दो दिन देती हूँ ठीक है दो दिन देती हूँ तो रूही के चार दिन रूही के चार दिन यहां पर आ गए ठीक है अब रूही के चार आ गए तो मुझे क्या पता है सेवन और टू यहाँ के लिए कैंसल्ड है और हरियाणा यहां आ नहीं सकता हरियाणा के कितने दिन है छह दिन तो हरियाणा यहां नहीं है तो डेफिनेटली मुझे क्या नजर आ रहा है छ दिन वाला हरियाणा यहां पर आ जाएगा ठीक है ये नजर आ रहा है अब पॉसिबल केस तो आपका फोर सिक्स वाला भी हो सकता है पहले एक बार चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं और विद प्रैक्टिस ऐसा हो जाता है कि आप खुद से दिमाग में ये चीज सॉल्व दो चार छ आया दो चार छ आया अब क्या बचता है यहां पर सिर्फ सात बचता है तो वो यहां पर आ सकता है तो ये वाला जो केस है सही होना चाहिए ठीक है अदरवाइज अगर हम फोर सिक्स वाला यूज करते हैं एक बार देख लेते हैं अगर फोर आपका यहाँ पर शोभित के लिए आता है सिक्स आपका यहां पर आता है तो हरियाणा यहां पर फिक्स हो जाएगा अगर फोर आपका यहां आता है सिक्स आपका यहां पर आता है सेवन ने सेवन और टू दोनों ने आपके वहां पर आना नहीं है तो देखो अब ये चीज ऐसे हम कर सकते हैं ठीक है जो स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो ये सोच रहे हैं कि मैम ने पहले टू फोर को मैंने रैंडमली उठाया ठीक है लेकिन आप अपने दिमाग में सोच सकते हो मेरा जैसे फोर सिक्स वाला उठाया शोभित के लिए चार दिन रूही के लिए आए छः दिन रूही से ज्यादा राजस्थान वाले के दिन है रूही से ज्यादा राजस्थान वाले के दिन है ठीक है तो रूही से ज्यादा सिक्स से ज्यादा अब यहाँ पर थ्री वन फाइव फोर एंड सिक्स कितना हुआ एक सेवन बचता है जो कि ज्यादा आएगा जो कि यहाँ नहीं आ सकता तो सेवन आपका यहाँ पर आएगा सेवन अगर आपका यहाँ पर आएगा तो टू के लिए ये जगह बचती है जो कि गलत हो जाएगी क्योंकि पी पारुल जो है वो सात और दो दिन के लिए नहीं जाती तो फोर सिक्स सेवन और टू गलत हो जाएगा तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को दिमाग में कर सकते हो उन स्टूडेंट्स को बता रही हो जिनको ये नहीं समझ में आ पाता दो केसेस हैं एक बार एक बना कर दे अब क्योंकि पॉसिबल है ना मैंने पहले दो और चार उठाया पहले चार और उठाते वो केस गलत करते फिर उसके बाद फिर से बनाते है ना तो इसीलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम दिमाग में कर सकते थे चार आया छह आया यहां पर सात आया तो दो वहां पर आएगा फिर गलत हो जाएगा यानी कि दो चार छ वाला हमारा बिल्कुल सही है <clears throat> टू फोर एंड सिक्स अब हमारा एक सेवन बचता है सेवन आपका यहां पर आ जाएगा सिक्स हरियाणा हो गया अब राजस्थान वाला रूही से ज्यादा दिन के लिए जाता है राजस्थान वाले रूही के चार दिन है ठीक है रूही के यहाँ पर देखो चार दिन है तो चार से ज्यादा दिन पांच यहां पर तो नहीं है राजस्थान नहीं आएगा छे वहां पर हरियाणा तो सेवन वाले के लिए आपका आ जाएगा राजस्थान ठीक है इतना हुआ अब दिल्ली आपके लिए यहां भी कैंसल्ड है यहां भी यानी कि एस के लिए और यू के लिए दिल्ली कैंसल्ड है तो दिल्ली मेरा कहां पर आ जाएगा रूही जो है वो कहां जाती है दिल्ली जाती है ठीक है अब जो भी आपका देखो ये तो कंप्लीट हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये हो गया अब आपका एक जो प्लेस दो बचते होंगे वो यहां पर स्लैश में चले जाएंगे आसाम एंड केरला बचता है ठीक है तो आसाम एंड केरला आपका चला गया यहां पर चलिए लीजिए भाई क्वेश्चन हो गया है अच्छा क्वेश्चन था बढ़िया क्वेश्चन था आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा आप सभी को अच्छा लगा होगा और अगर जो मैंने समझाया है समझ में आया तो सेशन को प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं ठीक है और बहुत जल्द फिफ्टी के का स्ट्रांग फैमिली बनने वाला है तो इसीलिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो जाए ठीक है चलिए और लाइक करना नहीं भूलना अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है चलो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले तीन दिन के लिए कौन जाता है देखो तीन दिन के लिए भाई कौन जाता है विकास अब ये जो ऐसा क्वेश्चन था ना तीन दिन वाला अब देखो कई बार ना ऐसा होता है अब ये तीन दिन वाला ये तो हमने क्वेश्चन की बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको सॉल्व कर लिया था कि विकास तीन दिन के लिए जाता है तो अगर आपने पूरा क्वेश्चन ना भी सॉल्व किया होता मान लो आपके पास टाइम था सिर्फ और सिर्फ और डेढ़ का टाइम था एक डेढ़ मिनट में आपसे ये पजल नहीं बनेगी तो अगर आपने एक डेढ़ मिनट में पहुंच जाते वहां तक ऑब्वियसली पढ़ तो लेते ही इतना तो विकास के तीन दिन पता चल जाता और अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता तो आप इसको ठीक कराते ऐसा भी होता है पेपर में इसीलिए क्या कहा जाता है कि पेपर देना है ना दो नहीं दो से ज्यादा आंखें हैं आपके पास तो खुली रखनी है आंखें कहने की बात है मजाक कर रही हूं मतलब कि अपनी आंखों को अच्छे से खोलकर कुछ भी आपका मिस ना हो जाए इसीलिए चौकन्ना रहना पड़ता है पेपर में कहां पर क्या चीज है टू विच सिटी डज शोभित को शोभित कौन सी सिटी में जाता है चेक कर लेते हैं शोभित आसाम या केरला आसाम या केरला आइदर ए और बी गिवन नहीं है तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने आपको सेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ना एक चीज बोली थी कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट गलत सॉल्व करेंगे अगर उसको सही नहीं समझ क्वेश्चन uh, की लैंग्वेज को सही नहीं समझेंगे तो सो so, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है थोड़ा सा ठीक है तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को नहीं मिस करना इस क्वेश्चन को जरूर समझना है कुछ नया सीख कर जाओगे आज इस क्वेश्चन के थ्रू दैट आई कैन गारंटी यू इन जनरल ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब कि ऐसा है कि लैंग्वेज का खेल है यहां पर सिर्फ सिर्फ लैंग्वेज का कुछ नहीं है क्वेश्चन में कुछ नहीं है सिर्फ लैंग्वेज का कमाल है अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो सब सम समझ गए अगर लैंग्वेज नहीं समझे तो ये क्वेश्चन आप गलत बनाकर आओ एक्चुअली बनेगा ही नहीं ये क्वेश्चन चलिए <coughs> बनाते हैं आप इसको कहता है

आपकी एस बाइक है उसकी जो टॉप स्पीड को आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पर टॉप स्पीड है सच आ, सब नहीं यहाँ पर टॉप स्पीड टॉप स्पीड यूज किया यानी कि हम लोग सिंपली स्पीड की ही बात कर रहे हैं ठीक है तो कहता है जो एस की स्पीड है वो जस्ट हाइयर यानी कि जस्ट ज्यादा नहीं है या जस्ट स्लोअर नहीं है किसकी स्पीड से पी की स्पीड से तो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कंपैरिजन हो रहा है तो हम कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं ना जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग जो भी चीज जो भी आपको पैरामीटर दिया जाता है उसके बेसिस पर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम चीजों को नोट करते हैं कुछ वैसा क्वेश्चन है ठीक है कंपेरिजन वाला है यहाँ पर स्पीड का कंपेरिजन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं सात बाइक्स हैं सात बाइक्स हैं हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट कर लेते हैं ये हो जाएगी आपकी सबसे फास्टेस्ट और ये हो जाएगी आपकी सबसे स्लोएस्ट बाइक ठीक है फास्टेस्ट उससे धीरे वाली फिर उससे धीरे उससे धीरे उससे धीरे यहां पर जाते जाते सबसे स्लोएस्ट वाली बाइक आ जाएगी अब पहली लाइन में बोला है ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को ठीक है <clears throat> p is not the fastest bike देखो p is not the fastest p आपका यहां पर नहीं आने वाला है ठीक है कहता है जो स्पीड है बाइक s की फिर से देख लो यहां पर जो स्पीड है द स्पीड ऑफ बाइक s इज नाइदर जस्ट हायर ना तो जस्ट ज्यादा है nor just lower ना ही जस्ट कम है किससे देन द स्पीड ऑफ बाइक p s की जो स्पीड है कहता है वो ना तो p से जस्ट ज्यादा है क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिया तो मैं उसी ऑर्डर में नोट कर रही हूँ पी के इस डायरेक्शन में एस नहीं आएगा इसके हिसाब से क्योंकि मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट कर रही हूँ ना उसने बोला है जो आपकी बाइक है एस उसकी स्पीड पी से ना तो जस्ट बड़ी है ज्यादा है ना ही जस्ट छोटी है एस की स्पीड पी से ना तो बड़ी है ज्यादा है जस्ट ज्यादा है ना ही जस्ट कम है समझे तो अगर मान लो आपका पी यहां पर आता है तो आपका एस ना तो यहां आ सकता है ना यहाँ अगर आपका पी यहां आता है तो ना तो ऐसा आपका यहां आ सकता है ना यहाँ अगर आपका पी इस जगह पर आता है तो आपका एस ना तो यहां आ सकता है ना ही यहाँ आ सकता है सिंपल इतनी सी बात है तो इस तरीके से ये होगा आपका गलत पी के जस्ट इधर साथ में और पी के जस्ट इधर साथ में एस नहीं आएगा आगे बाइक एस इज नॉट द स्लोएस्ट बाइक आपका एस यहां पर नहीं आएगा ठीक है इसको हम लोग थोड़ा सा इधर नोट कर लेते हैं यहाँ पर कि S, P, और S, इस तरीके से नहीं आएगा अगर सिंपल और सादी लैंग्वेज में बोला जाए तो एस और पी साथ में नहीं आएंगे बस इतना ध्यान रखना बाई क्यू हैज स्पीड दैट इज जस्ट हायर देन द आर बाइक बाई क्यू की जो स्पीड है ना वो जस्ट ज्यादा है आर से क्यू की जो स्पीड है वो आर से जस्ट ज्यादा है तो क्यू के जस्ट साथ ऐसे ही इसी डायरेक्शन में आर आएगा आपका क्यू के जस्ट साथ में आर इसी डायरेक्शन में क्योंकि क्यू की स्पीड आर से जस्ट ज्यादा है हम लोग यहाँ पर आ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं ठीक है तो क्यू और आर ऐसा आ जाएगा कहता है आइदर बाइक वाई और बाइक जेड इज फास्टर देन क्यू बट नॉट बोथ ध्यान से समझो कहता है आइदर वाई और बाइक जेड या तो आपकी जो बाइक है वाई या फिर आपकी जेड वो क्या है क्यू से फास्टर है क्यू से फास्टर है जस्ट फास्टर की बात नहीं हुई है ठीक है नॉर्मली उसने लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज है कि क्यू से तेज है कौन सी बाइक तेज चलने वाली बाइक है या तो वाई या जेड दोनों नहीं है तो हम लोग इसको क्यू के इस डायरेक्शन में आपकी वाई और जेड मैंने स्लैश लगा दिया है ये याद रखने के लिए ठीक है स्लैश लगाया है ये याद रखने के लिए कि क्यू के इस डायरेक्शन में ठीक है क्यू के इस डायरेक्शन में लेफ्ट में मान लो आप लोग ठीक है क्योंकि लेफ्ट में वाई और जेड में से कोई एक ही आएगा क्योंकि कहीं भी लेफ्ट में आ सकता है y और z में से एक और अगर y यहां आया तो z उसके राइट में आएगा क्योंकि उसने स्पेशली बोला दोनों फास्ट नहीं है इनमें से कोई एक है जिसकी स्पीड q से ज्यादा है y और z में से अगर y वहां आया तो z यहां पर और अगर z यहां पर आया तो y इधर इस डायरेक्शन क्यू के अगर Q के लेफ्ट में Y आया तो राइट में Z आ जाएगा अगर लेफ्ट में Z आया तो राइट में Y आ जाएगा इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है चलो आगे कहता है स्पीड ऑफ बाइक Z नॉट जस्ट लोअर देन दैट ऑफ S जो स्पीड है किसकी Z बाइक की वो जस्ट कम नहीं है S से S से जस्ट कम वाला यानी कि ऐसा S से जस्ट कम स्पीड Z की ऐसे होगी तो ये उसने कहा ऐसा नहीं होगा गलत है ये एस के जस्ट साथ में जेड इस डायरेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि एस से जस्ट कम स्पीड नहीं है जेड की और कम यहां जेड आ सकता है उसके लेफ्ट में आ सकता है और राइट में आ सकता है लेकिन एस के जस्ट इमीडिएट राइट ठीक है नहीं आएगा चलो आगे देयर आर एग्जैक्टली टू बाइक्स विच आर फास्टर देन आर बट स्लोअर देन पी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन अगर आप इसको समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा और अगर आप इसको नहीं समझे तो क्वेश्चन आप गलत करेंगे अभी मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को पूरा खोल के रखूंगी एक बच्चा इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से कर सकता है ठीक है देर आर टू बाइक्स दो बाइक्स हैं, जो कि आर से क्या है फास्ट है But, अब बट बट किसके लिए यूज होता है हम लोग अब जैसे यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड था विच देर आर टू बाइक्स विच wh से जस्ट पहले दो बाइक्स आई तो यानी कि ये किसके लिए यूज हुआ है टू बाइक्स के लिए विच जो यूज हुआ है वो टू बाइक्स के लिए कहता है कि देयर आर टू बाइक्स जो कि फास्टर है r से बट p से स्लो है p से स्लो है दो बाइक्स है जो कि r से तेज है p से स्लो है ठीक है तो एक बार दिमाग में आता है दो बाइक्स हैं जो कि r से तेज है हम r को यहां बना सकते हैं r से दो बाइक्स हैं जो कि क्या है जिनकी स्पीड तेज है और दो बाइक्स हैं जिसकी स्पीड पी से कम है तो हम पी को यहां बना सकते हैं ठीक है अगर हम इस हिसाब से क्वेश्चन को करें एक बार देखो बाइक इज़ फास्टर देन बाइक वाई विच इज फास्टर देन जेड बाइक एक्स इज फास्टर देन एक्स इज फास्टर देन वाई विच इज फास्टर देन जेड वाई इज ग्रेटर ठीक है ऐसा है यानी कि एक्स डायरेक्शन में वाई वाई के इस डायरेक्शन में जेड ऐसा होगा चलो पहली बात मैं आपको बता रही हूं ये जो बनाया है ये गलत है और ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में ये चीज आएगी कि इसका मतलब है शायद ये ठीक है इसका शायद मतलब ये हो सकता है या फिर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग में ऐसा भी आया हो कि देर आर एग्जैक्टली दो बाइक्स हैं विच आर फास्टर देन आर दो बाइक्स है जो कि आर से फास्टर है लेकिन पी से स्लोअर है अब पी से स्लोअर है तो अब भी यहां तो आ नहीं सकता दो बाइक्स है जो कि आर से दो बाइक्स हैं जो कि आर से तो तेज है लेकिन यहाँ तो आने से पी से स्लोअर तो दो से भी ज्यादा हो गई तो यानी कि कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि ऐसा भी सोचे ठीक है दोनों ही तरीकों में देख लो क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे नहीं बना पाओगे ठीक है अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है आर के जस्ट यहां देखो क्यू के राइट right में गए जस्ट राइट में इसीलिए मैंने ये नोट किया है यहां पर आया क्यू के इधर वाई और जेड में से एक आएगा ठीक है तो मुझे पता है अगर मान लो y भी y आ जाता है तो y के इधर इस डायरेक्शन में देखो x के राइट में गया है y अगर हम y को बना दे तो x की तो जगह ही नहीं है गलत हो गया ना एक क्वेश्चन यानी कि r और p आपका यहाँ नहीं आ सकता इसका मतलब पता है क्या है जब ऐसा होता है ना जब क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है तो समझो कि तुमने ना क्वेश्चन को समझने में ही गलती की है ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रही हूं अभी मैंने दो तरीके अभी आपके सामने रखे दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन अभी एक से तो मैंने आपको दिखाया भी मतलब तो यही है ना देर आर एग्जैक्टली टू बाइक्स दो बाइक्स है जिनकी स्पीड आर से ज्यादा है आर से फास्ट है लेकिन पी से स्लो है हम यहां पर एक चीज भूल रहे हैं उसने यहां पर वर्ड यूज किया एग्जैक्टली नॉट ओनली अगर बोलता है ना जैसे बोलता है ओनली टू बाइक्स आर फास्टर देन दिस तो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं उसने बोला आर एग्जैक्टली एग्जैक्टली बाइक्स की जगह पर या तो वो उसने देखो वर्ड भी ऐसा जान करके यूज किया एग्जामिनर ने कॉन्टेंट वाले ने एग्जैक्टली exactly. सेम नहीं बोला एक बात समझो उसका कहने का मतलब क्या देर आर एग्जैक्टली टू बाइक्स दो बाइक्स हैं जो कि आर से तेज हैं प्लस बट बट अब बट किसके लिए यूज हुआ इन ही दो बाइक्स सेम सेम अब जो हम जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि आर यहाँ पर बना लिया ये दो बाइक्स इससे तेज है पी को यहां बना लिया ये दो बाइक्स पी से स्लोअर है जब इनका सब्जेक्ट सेम है सब्जेक्ट सेम है ना टू बाइक्स के लिए ये बट जो है ये टू बाइक्स के लिए यूज हुआ है तो यानी कि एग्जैक्टली दो सेम बाइक्स से हैं जो कि पी से क्या है तेज है और आर से स्लोअर है वो दोनों सेम बाइक्स से हैं दो सेम बाइक्स हैं जो कि पी से तेज हैं और आर से स्लो है दो सेम बाइक्स आई होप कि अभी आप समझे होंगे फिर से देखो देयर आर एग्जैक्टली टू बाइक्स एग्जैक्टली दो बाइक्स हैं, विच आर फास्टर देन आर जो कि आर से तेज हैं, बट स्लोअर देन पी और पी से स्लो है दो ही बाइक्स हैं एग्जैक्टली exactly। ठीक है तो अब यहां पर

तो पी से स्लो ऐसा पी से ये दो बाइक स्लो आर से ये दो बाइक तेज समझे आर से दो बाइक्ट से इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है तो ये कैसे समझ में आया जब हमने क्वेश्चन को उस हिसाब से बनाकर देखा वहां से नहीं बना तो यानी कि आपने समझ आपने जो समझा है वो गलत समझा है तो कई बार ऐसा हो जाता है पेपर में ठीक है तो P से दो बाइक्स स्लोअर वही सेम बाइक्स R से तेज ठीक है इतना किया अब पूरा का पूरा क्वेश्चन तो हम देखो यहां पर नोट कर चुके हैं P दो छोड़कर आर आएगा इतना पता है डायरेक्शन भी यही आएगी क्योंकि हमने इसको यहां पर शिफ्ट करना अभी बनाना है P जो है आपकी फास्टेस्ट नहीं है तो मुझे इतना पता है कि यहां पर एक तो आएगा ही आएगा P जो है आपका वो फास्टेस्ट बाइक नहीं है ना फास्टेस्ट नहीं है तो P आपका यहां नहीं आ सकता तो मैंने एक पर्सन को यहां बना दिया ठीक है तो अब आर से जस्ट पहले क्यू आएगा आर से जस्ट पहले क्यू हमने यहां पर क्यू बना दिया क्योंकि क्यू से जस्ट स्पीड कम है आर की Q के कहीं लेफ्ट पर Y और Z में से एक आएगा Q के कहीं लेफ्ट पर Y और Z में से एक आएगा अगर Y आया तो Z उसके राइट में आएगा मेरी बात समझो क्योंकि कहीं लेफ्ट पर यहां भी आ सकता है यहां भी आ सकता है और हो सकता है एक और पर्सन यहां भी हो एक और बाइक यहां भी हो हमें नहीं पता अभी तक वन टू थ्री फोर पांच बाइक्स हुई और हमारे पास टोटल सेवन है ठीक है <laughs> तो क्योंकि इस डायरेक्शन में मुझे क्या पता है वाई और जेड में से एक आएगा तो जो भी आएगा लेफ्ट में राइट right में भी तो आएगा कोई ना कोई तो मुझे समझ में आया यहाँ पर भी तो एक और आएगी बाइक क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ क्यू के लेफ्ट में वाई और जेड में से कोई कहीं भी आ सकता है यहां भी आ सकता है यहां भी आ सकता है यहां भी आ सकता है तो उसके राइट right में दूसरी आएगी ना क्योंकि मैंने यहां पर स्लैश लगाया है वाई और जेड के बीच में वाई और जेड में से एक है एक बाइक है जिसकी स्पीड क्यू से ज्यादा है दोनों की तेज नहीं है क्यू से ज्यादा वाई और जेड दोनों इस डायरेक्शन में नहीं आ सकते जो एक आएगा इस डायरेक्शन में तो दूसरा उस डायरेक्शन में जाएगा ठीक है तो मुझे समझ में आया एक दो तीन चार पांच <clears throat> तो ये छह का अरेंजमेंट बन गया टोटल सात है अब एक और पर्स, एक और बाइक यहां आ सकती है यहां भी आ सकती हम लोग अब कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा देख लो बनाकर कर लेते हैं इसको यहां पर मान लो अब पी ने यहाँ तो आना नहीं है एज इट इज अगर हम इसको पी को मैंने मान लो यहाँ पर बनाया ठीक है पी एक छोड़कर क्यू आया क्यू के जस्ट साथ में आ रहा ठीक है ये बनाया अब एक और केस आपका क्या बन सकता है कि आपका पी जो है वो यहाँ आ जाए क्योंकि ये टोटल छे है। पी के इधर एक है ये पर्सन क्योंकि एक और जो बाइक है वो यहाँ आ सकती है ना अभी जो ऊपर वाला केस लिया है हमने वो एज इट इज यहां से उठाया डैश पी डैश पी एज इट इज अब यहाँ पर डैश डैश पी से उठाया एक छोड़कर क्यू आपका यहां पर आया आर आपका यहां पर आया ठीक है ये तो अब याद हो गया हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट किया इसको हटा देते हैं ठीक है पी का भी पता चल गया इसको छोड़ दो ऐसा तो आपका यहाँ पर नहीं आएगा ठीक है जो आपका ऐसा वो यहां पर नहीं आएगा क्या बचता है आप हमारा यहाँ पर देख लेते हैं एक चीज देखो पी के साथ में एस नहीं आएगा आपका एस ना तो यहां है ना यहां है और ऐसा आपका यहाँ पर देखो इस यहां भी नहीं है तो इस वाले ऊपर वाले केस में एस यहां नहीं यहां पर नहीं यहां भी नहीं एस के लिए एक जगह बची ये नीचे वाले केस में जरा देखो एस आपका इस जगह पर नहीं आएगा इस जगह पर नहीं आएगा यहां पर नहीं है तो एस की जगह कहां पर दिख रही है यहां पर ठीक है इस वाले केस में एस आपका यहां पर आ गया क्योंकि यहां नहीं था यहां नहीं था यहां पर भी नहीं था तो चलो दोनों केसेस में एस का पता चल गया इतना किया अब एस के इधर देखो जस्ट राइट right में जेड नहीं आएगा क्रॉस किया हुआ एस के जस्ट राइट right में जेड नहीं आएगा यहां पर आपका जेड नहीं आना चाहिए इस वाले केस में यहां पर जेड नहीं आना चाहिए मुझे नजर आ रहा है एक्स वाई और जेड को एज इट इज नोट करना एक्स के राइट में y, y के राइट में जेड एक्स ऊपर वाला केस हो गया गलत ठीक है ऊपर वाला जो केस है ऊपर <coughs> वाला केस आपका गलत हो चुका है जो नीचे वाला केस है एक्स y एंड जेड क्यू के लेफ्ट में y और जेड में से एक आएगा क्यू के लेफ्ट में आया y राइट right में आ गया जेड नीचे वाला केस इज हंड्रेड परसेंट ट्रू और ऊपर वाला केस गलत है तो अब हमें एस जो है आपकी फास्टेस्ट है बाइक है जेड आपकी स्लोएस्ट बाइक है अब इस पर बेस्ड वो कुछ भी पूछे स्पीड पूछ ले आपसे कि पी की जो स्पीड है किस से जस्ट ज्यादा है वाई से जस्ट ज्यादा है पी की स्पीड कुछ भी पूछे अब आप इजिली आंसर कर सकते हैं आई होप कि ये क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन थी देर आर एग्जैक्टली टू बाइक्स एग्जैक्टली मतलब कि सेम वही बाइक्स हैं ठीक है ये था। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक द सेशन शेयर कर दो बच्चों सेशन को और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना भूलना नहीं है ठीक है चलो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाउ मेनी बाइक्स आर स्लोअर देन वाई स्लोअर कितनी बाइक्स है वाई ये रहा वाई से स्लोअर क्यू आर और जेड तीन है विच अमंग फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे देना दे भाई कहां पर दोगे कमेंट सेक्शन में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने चलिए आप सभी ने देख ही लिया क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन है इन का कॉर्डेड इन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है अभी इस बार भी पूछा गया था राइट सो so, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है बहुत ही आसान है ऊपर देखो जो आपको सिंबल्स दिए गए हैं उनका क्या मतलब है वो नोट कर लो ठीक है ये सभी सिंबल्स हैं आपके पास पांच सिंबल्स ठीक है ध्यान क्या रखना है पी और क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू यानी कि कुछ रिवर्स तो नहीं है क्योंकि हमें जनरली आदत होती है पी डॉलर का सिंबल है क्यू इसका मतलब है पी इज नॉट स्मॉल कई बार यहां पर क्यू इज नॉट है तो आपको उसका रिवर्स लेकर चलना पड़ता है तो इसलिए ध्यान रखो पी क्यू पी क्यू पी क्यू सब में सेम है आप कोई लफड़ा नहीं अब हो जाएगा तब भी नहीं होता बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है फिर यहाँ पर चेंज करना पड़ता है उसका जो भी कॉर्ड uh, निकलता है फाइनली p इस सिंबल का क्या मतलब है p इज नॉट स्मॉलर देन q इसका मतलब स्मॉलर नहीं है तो क्या हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू p एट द रेट q का मतलब है p इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल ना तो छोटा है ना बराबर है यानी कि बड़ा है एट द रेट का मतलब है बड़ा हैश का निकालो नाइदर ग्रेटर इक्वल्स ना तो बड़ा ना बराबर यानी कि छोटा है एंड का मतलब ना इधर ग्रेटर नॉट स्मोलर ना तो बड़ा ना छोटा यानी कि बराबर है स्टार का मतलब नॉट ग्रेटर स्टार का मतलब बड़ा नहीं है यानी कि छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है लीजिए सबका पता चल गया अब देख लो बी पहला सिंबल है बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू के तो इसको छोड़ दो क्योंकि हमने पहले बी और के बना लिया ना बी पहले वाला सिंबल डॉलर्स का है, N है तो हम लोग इसको बना लेते डॉलर्स तो का मतलब ग्रेटर टू तो बी इज ग्रेटर अब आप इसको ऐसे बनाओगे बी इज ग्रेटर टू एन इस डायरेक्शन में गए ना तो ये ऐसा बनेगा बी इज ग्रेटर टू चलो इतना हुआ ये हो गया ये हो गया एन से रिलेटेड ई एट द रेट एन एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन देन इज ग्रेटर ठीक है डी हैश ई हैश का मतलब क्या है लेस देन डी इज लेस देन ई लीजिए भाई पूरा नोट कर लिया आप देख लो उसने कंक्लूजन में क्या क्या दिया है डी हैश एन हैश का मतलब लेस देन डी और एन के बीच में लेस देन लेस देन ग्रेटर देन दोनों ये गलत हो गया बी एट द रेट ई एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन

ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कंक्लूजन दिए गए हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी करना है ले लो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वन देर आर सेवन मेंबर्स सात हैं एक फैमिली में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स सेवन तक एक्स वन से लेकर एक्स सेवन तक सात मेंबर्स हैं फैमिली के अमंग Only two are married couples, दो मैरिड कपल्स हैं एंड ओनली थ्री आर मेल तीन मेल में एक्स फोर इज दिक्स एक्स सेवन लास्ट में दिया गया इज द नीस ऑफ एक्स वन हुआ एक्स सेवन जो है वो नीस है एक्स वन की ठीक है जो आपकी एक्स सेवन है वो क्या है नीस है किसकी एक्स x1 वन की नीस है एक्स सेवन मतलब क्या हुआ भतीजी होगी या भांजी होगी उसने बोला है x7 is niece of x1, मतलब भतीजी या भांजी होगी प्लस x1 वन नॉट अ मेल मेंबर x1 भी एक फीमेल मेंबर है ये समझ में आ गया x2 टू इज द मदर ऑफ x3 थ्री हु एक्स जो है वो मदर है x3 की x2 टू मदर है x3 की ये है अनमैरिड इसको ध्यान रखेंगे x5 लास्ट में देखो x5 इज नॉट मैरिड टू x6 और x7 x5 जो है उसकी शादी ना तो 6 के साथ में हुई है और ना ही सात के साथ इसको इस तरीके से हम लोग बस याद करने के लिए नोट किया है x1 हु इज अनमैरिड

अब ऐसा तो नहीं मेंशन कि इसके और भाई बहन है नहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है पूरा क्वेश्चन लगभग हो गया है हमारा तो x1 तो अनमैरिड है और x6 की वो क्या है सिबलिंग है ठीक है x1 और x6 दोनों सिबलिंग्स है x2s हस्बैंड हैज टू चिल्ड्रन x2 के हस्बैंड के दो चिल्ड्रन x2 के हस्बैंड के यानी कि x3 का एक भाई या बहन जो भी है होने वाला है ठीक है तो ये सारा कुछ है हमारे पास अब एक्स से हम एक्स फोर तक जा सकते हैं के ऊपर इस तरीके से फोर आ गया। लीजिए। अभी तक क्वेश्चन हो गया है अब इसको हमने यहाँ पर देखना है दोनों को किस तरीके से हम लोग कंबाइन करें फाइनली कि हमारा एक फैमिली ट्री पूरा बन जाए सात मेंबर्स का। तो उसने स्टार्टिंग में बोला था दो मैरिड कपल्स हैं ठीक है थीके? दो जो है आपके मैरिड कपल्स हैं एक चीज देखो x4 फोर इज फादर ऑफ x6 x4 जो है वो फादर है x6 के कुछ मिस तो नहीं किया हमने हु इज नॉट अ मेल मेंबर x1 ठीक है x2 टू इज मदर ऑफ x3 चलो अब देखते हैं अब इसको कैसे बनाना एक पर्सन दो तीन चार टोटल सात है x4 के आगे x6 और x1 दो चिल्ड्रन है दिख रहे हैं x2 के दो चिल्ड्रन है x2 और उसका जो भी हस्बैंड है इनके x3 और एक और चिल्ड्रन आएगा तो अब देखो हम इसको यहाँ पर किस तरीके से अब ये जो x2 है x2 नेगेटिव x4 की क्या वाइफ हो सकती है x2 नहीं हो सकती मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि अब आप आगे क्वेश्चन को फर्दर कर कैसे सकते हो एक्स को हम यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि एक्स का आगे एक्स बच्चा है और इनके दो ही बच्चे हैं तो ऐसा नहीं एक्स टू यहां आ जाए और हमने एक और इनका बना दिया एक्स सिक्स और एक्स वन एक्स सिक्स और एक्स वन दोनों है, इसके अलावा और किसी की बात नहीं की गई है एक्स फोर की शादी हम एक्स टू के साथ नहीं करा सकते यानी कि आपका एक्स टू यहां पर नहीं आएगा ठीक है अब और हम क्या कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक्स फोर मैरिड पर्सन तो निकलेगा क्योंकि देखो दो मैरिड कपल्स हैं ठीक है तो उसमें हाँ एक और चीज का याद रखना x one unmarried है उसने बोला है ठीक है x one unmarried है और उसने और किसी का भी बोला है x three के लिए स्टार्टिंग में बोला था ना उसने हाँ x three हुई is unmarried x three भी unmarried है चलो ठीक है तो अब अब हम क्या कर सकते हैं हमारा जो एक्स टू है यहाँ नहीं आ सकता एक्स वन अनमैरिड है यहाँ भी इसकी शादी भी X2 के साथ नहीं करा सकते X6 की X2 के साथ में शादी करा सकते हैं हाँ, X6 की शादी हुई है X2 के साथ में अब मैंने ऐसा क्यों बोला क्योंकि एक्स टू का एक्स टू के दो बच्चे हैं एक एक्स थ्री एक हो गया एक्स थ्री और एक हो गया फाइनली फिर ये एक्स सेवन थ्री और सेवन दोनों आपस में हो गए सिबलिंग हो गए ठीक है तो ये समझ में आया एक्स टू नेगेटिव एक्स सिक्स हो गया पॉजिटिव यही बनता है हम लोगों ने देखो करके देख लिया यहाँ पर ऊपर इसका बना के देखा एक्स फोर के साथ में एक्स टू नहीं लगता था ठीक है उसने ये भी बोला एक्स फाइव की शादी एक्स सिक्स के साथ नहीं हुई एक्स सिक्स की तो टू के साथ हुई और एक्स फाइव की शादी एक्स सेवन के साथ नहीं हुई तो अब हमारे पास देखो बचता क्या है एक दो तीन चार पांच छह मेंबर्स हो गए क्या बचता है एक सातवां मेंबर बचता है वो कौन सा है यहां पर एक्स फाइव है और एक्स फाइव की शादी एक्स सेवन के साथ नहीं हुई तो एक होता है ना हमारे दिमाग में आ सकता है कि की शादी के साथ हुई हो, नहीं हुई यहाँ पर उसने मेंशन किया है पांच की सात के साथ में पांच की छ के साथ में नहीं हुई तो एक्स फोर की शादी हुई है किसके साथ में एक्स फाइव के साथ में ठीक है ये हो गया सो अभी हम ये हो गया हमारा ठीक है उसने बोला है टोटल तीन मेल मेंबर्स है ना तो जरा देखो x4 एक मेल मेंबर है x6 एक मेल मेंबर है और इसके अलावा आपका अब x3 जो बचता है जिसका हमें नहीं पता है जैसे 7 का फीमेल 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 आ गई तो x3 आपका एक मेल मेंबर होगा ठीक है तो लीजिए भाई हो गया क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा सबसे ऊपर जो जनरेशन है एक्स फोर एक्स फाइव है उसमें फिर एक्स फोर का आगे बच्चे हैं एक्स सिक्स और एक्स वन और जो एक्स टू हो गई एक तरीके से क्या हो गई डॉटर इन लो हो गई एक्स फोर आगे एक्स सिक्स के दो बच्चे हैं एक्स टू और एक्स सिक्स के दो बच्चे एक्स थ्री और एक्स सेवन चलो वो अमंग दंट ऑफ एक्स थ्री एक्स थ्री की आंट कौन है आप देखो क्वेश्चन भी हमारा जस्टिफाई हो रहा है ना एक्स थ्री की आंट कौन है एक्स थ्री की आंट मुझे क्लियरली नजर आ रहा है एक्स वन है एक्स थ्री के पापा की सिस्टर है एक्स वन उसकी आंट है बुआ है तो यहाँ पर एक्स थ्री की आंट कौन है आपको ऑप्शन में मिलेगा एक्स वन बस उसको टिक करना है इट आई होप कि क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो भाई लाइक जरूर कर देना चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा हिम्मत अभी बची नहीं है बिल्कुल भी कुछ बोलने की ज़्यादा डिफिकल्ट है 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 भी नहीं देखो जो दिख भी नहीं रहा ठीक आसान है, हो जाएगा आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना इसका आंसर मैं चेक कर लूंगी कि सब स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अगर आप सभी ने अगर मुझे लगा कि हाँ गलत आंसर आप कर रहे हो जो कि होना नहीं चाहिए इस केस में तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे तो अभी के लिए ये आपका होमवर्क है और इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया एक या दो क्वेश्चन दिए हैं वो भी आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में बस आंसर ही करना है जरूर कर दिया करो भाई मेरी तसल्ली के लिए मुझे आ, तसल्ली मिल जाती है कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो आप लोग वो वीडियो देख रहे हो सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं हेल्पफुल है एक्चुअली ठीक है चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में आप सभी ध्यान रखिए अपना ठीक है मौसम थोड़ा ऐसा ही चल रहा है अपना ध्यान रखो तबीयत का बहुत ध्यान रखो और मेहनत करते रहो ठीक है टेक केयर एवरीवन